पर सिया राम कहते हैं पक्के कसाई। आए मेरे बाबूजी, बिरहा का मूल धरोहर होले ओकर कहानी। और कहानी अगर कलाकार की गाई हुई आपके दिल दिमाग पर कहीं घाव कर गई, असर कर गई, तो कलाकार का गाना और कवि का लिखना सफल है वरना विफल है। एक ऐसा कहानी सुनावे चलती जौन हमारे आपके जिंदगी में मालूम पड़ी कि बीतत है या गुजर के चल गल है। मालिक ना करे कि जिसके जिल में नहीं गुजरा हो जिंदगी में, उसके जिंदगी में यह दुख भरी कहानी आए। आइए आपके बगल ही सिंगरौली का हम आपके बात बताओ चलते। सिंगरौली जिला एमपी प्रांत के अंतर्गत। आइए इस कांड की ओर चलते गए। जिस डॉक्टर को हम और आप भगवान का दूजा रूप कहते हैं, आज ऐसे ही एक नीच डॉक्टर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गीत लगल मास्टर, कौन गीत है? लहेला मजनू तो बदन एक जाने किसी तरफ जाता हमारा देश है। जंजीर में जकड़े हुए हैं। देश आजाद हुआ, आजाद हुए भी देश को 60-70 बरस हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं से आज भी हम और आप गुलामी झेलते हैं। बताई कहा झेलला, बताई वही बिरहा में कहानी शुरू हो गई मास्टर। जमाने से
सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश प्रांत के अंतर्गत सातोपुरा पुराना गांव के नाम। आए मेरे बाबूजी, सातोपुरा पुराना गांव के नाम जहां के रहे वाला गरीब आदमी श्यामधर पाल, पत्नी का नाम लालती देवी, हाल के बिया भइल बा, एगो बेटी पैदा भइल बाटे, लेकिन उन्हन का किस्मत एजा फूट गई। किस्मत का फूटल, लालती का तबियत सीरियस हो गई, लेके चलल हुआ बगले में डिस्पेंसरी बा, ले जाके दुल्हन के दवाई करावत हुआ डॉक्टर साहब गईलन, ओकरे पत्नी के चेकअप कईलन, दो चार खुराक दवाई देहलन। आ जब दवाई खात बा तो भइल का तनी सुनिए कवन की था। कौन मेहरारू मर्दे में बड़ा पटत रहे राम ब्रिज, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होला, खून का नाही पटे के चाही। राजेश भैया ही नहीं कि मेहरारू पूरब जाए मर्द पश्चिम जाए, पटे के चाही। वो मेहरारुआ कहत भी अपना मर्दा से का कहले से। तोहरा में बसे राजा हमारे परनामा हो, रात दिन रहे बस तोहर दिया ना हो, तोहरा में बसे राजा हमारो पर ना बाहो, रात दिन रहे बस तोहर दिया ना बाहो, मन छुपे ना चेतावे में भाव लग गई, छोड़ दा गीत रलावा, खाले दवाई गोरी साझावा भी खाना बाहो, लेकिन ना मिला ताड़े पानी को चाया ना बाहो, पत्नी को जब दवा दिलवा करके घर लेकर के आया, घर लेकर के आया, चार छह खुराक दवाई डॉक्टर साहब देहले हुन, आराम ना भल, दुल्हन कुल दवाई खाए गई, एको इंच आराम ना भल, और जब आराम नहीं हुआ तो सोच गया गरीब आदमी श्यामधर पाल की, हे भगवान, ने गरीबी में ही का बजर गिरा दहला। गांव पास पड़ोस के लोग जुटना कले कि श्यामधर पैसा का मुंह मत ताका, हम नो जाना थी कि तू गरीब आदमी हुआ, लेकिन बात ओकरे जिंदगी का सवाल है, ओकरे जिंदगी का सवाल है, अगर कुछ हो जाए तो तुम्हारे कच्ची गिरस्ती है, और
तोहर दुनिया उजड़ जाए। कल का करी बाबू, कलन की कर्जा कुआम दो 4-5 हजार रुपया ले ला, हमन दे देवल जाई, तुहार मदद कर देवल जाई, जब तोरे जिंदगी में होई तो दिया, नहीं तो मत दिया, ले जाओ के कोनो बढ़िया अस्पताल में भर्ती करा के ओकर इलाज करवा दा। श्याम धरपाल उहे गइलन, कर्जा कुआम कइलस 4-6 हजार रुपया लेहलस गाँव घर से मदद के तौर पर लेकर के चला गए। वह जवान अपनी पत्नी को कहाँ लेके चलन, तर्ज बदल गई। यह गीत बा हाय हाय, कौनो मेहरारू कमरद नाराज होके कमाए चाहिए। वाह, तब घर दुअरवे से ट्रेन जात रखे, दुल्हवा जब झगड़ा कैलस शेखर, झगड़वा कह के ज्यो घरवा में से निकल तबले ट्रेनिया आई वे कई, तनी सा सिग्नल ना मिलल, तनी सा सीलो भइल, तले दुल्हवा गुस्सैला कल ला बुजरो रहा अब हम जा, बस पट से उत ट्रेन अभी सिग्नल ना मिलल बा रुकल बे, धीरे धीरे सिलो भइल तब ले तई पट्टा चढ़ ही गया। हां, चढ़ के वही पर कलस की जो हम जात ही निकलत ही। हां, अपन व्यवस्था कर। अरे अरे बड़ा कमजोर है, अपन व्यवस्था कर लिए। अरे भाईला, तो वो तो यहीं आयल हुआ। तोरो मेरा रुका करत होई, व्यवस्था करत होई, का करत होई। अब दुल्हा तो चल गयल, अभी मेहररुआ जब वो ट्रेनिया के दुअरमा से जात देख है, तब कुड़ी कुड़ी के कहे का कहे आवा, ना 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 ई कहे ईर लिया बैरन, ईर लिया बैरन पिया कलिए जाए, ईर लिया बैरन जौने के दुनिया गाव तो ओके हम ना गाइला, थोड़ा अलग हटा कि मरा तो लोग याद करे कि नीतू राज इसे गावत रहले। कहा थी का कहलस, यह कहलस जवने ही रलिया से जवने ही रलिया से पिया काटी कसाबा सबा हो राजा गोटी का सबा हो बनिया पर इकोस बोली जाए रे रेलिया पैरन जी भाव लिखलन भयल कमा अरे बैठन में भर्ती कराव दुलहीन के सीके अग्रवाल जी के जाने ला जमाना नरसिंह हो मौन कर बड़ा दवा खाना भांति भांति उपचार करावे दुलहीन के सिंगरौली जिला का नामी मार्केट बैढ़न, बैढ़न में सी के अग्रवाल जहाँ के डॉक्टर थे अंशिका नर्सिंग होम, अपने दुल्हन लालती के एडमिट कर दिया वह बाबू श्याम धरपाल, एडमिट कर दलन
और एक दिन दो दिन चार दिन नहीं दस दिन का दिन बीतल है ओके एडमिट कर ले। और जब दस दिन का दिन बीतल बाबूजी तो देखा भइल का बाबूजी आप बैठल हुन का हमन आप लोगन के सामने गावल जाई का सुनावल जाई। अरे बाप जो कलाकारन का आप लोग बिरहा सुने अइलन ई तब वो नहीं लोगन के लगावल खेती है जोन हम लोग हां हम खेला खा खेला खा हां वो बजब आदमी हूं। देखा स्वर्गीय राम दोस्ताद गुल्लू उस्ताद ये लोगन के जमाने में बिरहा होत रहे लेकिन अब का बिरहा बेरहा हो गई। हे बा ई गीत कोनो लड़की का शादी भइल ससुरे में गइल बाऊ गइला जब दुआरे कहलन कि ए बिटिया तुहार शादी नीक घर दुआर देख के कैली कोनो तकलीफ त ना न हरे बेटी। तब उ लड़किया बाऊ से कहलस इहे गीत देखा ई गीत के भाव देखा लड़की कहले सुनली कि ससुरा में सुनली कि ससुरा में झुर झुर दस दिन का दिन बीतल ओकरे दुल्हन के बहिन आराम ना भइल वैसे सीरियस जैसे रहल और सीरियस भइल चल जात पे। लेकिन सी के अग्रवाल डॉक्टर डांट के कहता है कि ए श्याम धर ये अस्पताल मेरे बाप के पैसे से नहीं चलता ना ही कोई खैराती अस्पताल है। क्या मजाक बना करके रखे हो पैसा जमा करो। हाथ जोड़ करके वह श्याम धरपाल फफक के बाबू रोए लगलन रो के कलन की अरे डॉक्टर साहब हमरे मेहरारू के आराम ना भइल हम आपके कर्जा कुआम लेके आलली जवन हमरे पास चार छह हजार रुपया रहल हम कुल आपके दे देहली। अब हमरे पास एक रुपया ना है दुल्हन के ठीक कर दा आपका जवन भी पैसा होई हम आपके देब एक रुपया आपका हम बेईमानी ना कर फक के रो करके गरीब आदमी जब इतनी बात कहे लगल डांट दिया वह डॉक्टर कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता पैसा आज का आज मुझे चाहिए। आज जवन दस दिन का बिल बाउचर बनल है जितना रुपया बाबू दवाई का बेड का हॉस्पिटल का चार्ज परचवा थमा देले आज जब परचवा देखले सु गरीब आदमी श्याम धरपाल पढ़ले लिखले ना
बगलिया में जे खड़ा होके कहलन कि बाबू तनी देखा ए पर कै रुपया का बिल बनल हो। जब बगल में वो खड़ा नौजवान उस पर्चे को पढ़ा तो कहा कि अरे पागल, ये तो 2-4 हजार रुपए का नहीं, ये तो 80 हजार रुपए का बिल बन चुका है। फक के करे जवे जनाल की मुहे प्याजी बाबू। बोकर के रोवे लगलन श्याम धरपाल, 80 हजार रुपया 10 दिन में हम कहां से ली आई। 10 दिन पत्नी के भर्ती भइले भइले आज पर्चा दे देना, आज पैसा देवे के मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा। रो पड़ा गयल घरे, और जब घरे गयल बाबू गरीब आदमी श्याम धरपाल दुइये बिस्सा खेत, वो अपने कमाई का ना बाप दादे के बचौले हुआ। दू बिस्सा खेत सोचे लगलन कि हे मालिक, जिंदगी में कबो कमाब तब परिवार के बचौले रह, तब कबो खेत बना ले। लेकिन आज मेरी पत्नी को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं लेकर इसको क्या करूँगा। दू बिस्सा का मालिक रहल श्याम धरपाल गरीब आदमी, उसको बेच दिया बाबू जी। बेच के इलन ने कहा दिन के बाद जा करके वो डॉक्टर साहब के पैसवा हथवा पे 80 हजार रुपया पूरा का पूरा रकम एक एक रुपया सब जोड़ करके जितना था सब रख दिया। 80 हजार रुपए की रकम वो नीचे डॉक्टर लेने को तो ले लेता है बाबू जी, लेकिन वही रात 2 बजे उकरे पत्नी के अपने अस्पताल से निकालत। तो एक लाइन उस मालिक के लिए कवि जी ने टेरी में लिखा है, क्या लिखे मास्टर? अरे कहा ले, अरे कहा ले जो विधाता दूसरा, अरे बाबू कहा ले जो विधाता दूसरा, डाकू बन के लूट लागे दूरे ताता, अरे हो ताता, अरे हो ताता। कहा ले जो विधाता दूसरा, डाकू बन के लूट लागे दूरे ताता हो, कहा ले जो विधाता दूसरा। अरे मेरे बाबूजी, जिस डॉक्टर को हम और आप भगवान का दूजा रूप कहते हैं, उसी एक नीच डॉक्टर की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कभी जी लिखलन की कहाले जो विधाता दूसरा, डाकू बन के लूटा लागे दुअरे ताता। अरे बाप, तो कहना है किया क्या मास्टर? चौकड़ा हवा अग्रवाल अंशिका हेल्थ का, जब अपना कर लिया हिस्सा, अरे कहा दिखा दो इसे बनारस, हालत इसकी हुई हालत इसकी हुई खराब। आए मेरे बाबूजी, नीच डॉक्टर सी के अग्रवाल नहीं माना, और उसी रात 2 बजे उसकी पत्नी को अपने अस्पताल से निकाल दिया। रो रहा है कि घड़ी में 2 बज रहा है, डॉक्टर साहब मैं इतनी रात को अपनी पत्नी को लेकर के कहां जाऊंगा, कम से कम सुबह तो हो जाने दीजिए। कलश की नहीं, ये इतनी सीरियस है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, अब मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। 80 हजार रुपया पूरा ले भी लेलस, ठीक भी ना कैलस, और सीरियस कह के 2 बजे रात को ओके अपने अस्पताल से निकाल देलस, हवाला देलस कि अब एके बीएचयू का डॉक्टर ठीक करिए, एके बीएचयू लेके जा, ले जाओ इसे बीएचयू, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। और 2 बजे रात को अपने अस्पताल से गेट के बाहर करवा दिया उस पेशेंट को, लेकर के बैठ करके रो रहा है रोड पर, घड़ी में 2 बज रहा है, कहां जाऊं, किस दरवाजे पर जाऊं, कौन से दरवाजे को जाकर खटखटाऊं।
एक भला आदमी आया, ना जाने किस भेष में भगवान मिल जाए, कोई नहीं जानता बाबूजी। आज वह भला आदमी आया, कहा कि बाबू इतनी रात को रो रहा है, सड़क के किनारे बैठा है, क्यों रो रहा है रे बाबू? फक के रो लगलन कलन की साहब, यही अस्पताल में अपने दुल्हन के भर्ती कैले रही, 10 दिन से भर्ती रही हमार दुल्हन, पैसा मंगलन डॉक्टर जितना, पूरा रुपया लिया के खेत बेच के दे दिली हो साहब। ध्यान दीहन बाबू, हमरे बिरहा का शीर्षक बाटे लाश का इलाज, जिंदो का इलाज आपने कराया होगा, देखा होगा, सुना होगा, लेकिन जवन बिरहवा हम गावत ये बिरहवा का शीर्षक वे है लाश का इलाज। आए मेरे बाबूजी, कहा कि घबरा मत, मुसीबत आती है तो आजमाने के लिए, जहां तू खड़ा है यहीं पर रोड बेच बस आकर के स्टॉप करेगी, और उस बस में लेकर अपनी पत्नी को बैठ जाना, और सुबह 8:30 बजे वह बस बनारस कैंट रोड बेच पहुंचेगी। घबरा मत, कहले का देरी रहल बाबू, कुछ है टाइम बीतल, तब तक बस आए के वही स्टॉप कैले से, और जो बस स्टॉप कैले अपनी पत्नी के लेके वही बस में बैठलन, और चलल है बस वही बैठन से, आईल है बाबू ठीक 8:30-9 बजे बनारस कैंट रोडवेज स्टॉप कैलस, अपने पत्नी के रिक्शा में लेके बैठलन, अब बीएचयू की ओर चलल हुन बनारस में। भयल का तनी ध्यान दियन आवा, बाबा आई के बीएचयू भर्ती कैले दुलहिनिया हो, कैले दुलहिनिया हो, 26 जुलाई मंगलवार जी, 31 जुलाई रहली मध्य रही निया हो, मध्य रही निया हो, सुना सजना हमार जी, लहगता बची नहीं हमरो जीवनिया हो, हमरो जीवनिया हो, तोरे बूते पिटिया के भार जी, कैली हा शादी सैया फिर से तू दुनिया में हो, फिर से तू दुनिया में, मुन्नी का हो ना तिरस्कार जी। ले आइलन बाबू बीएचयू में भर्ती कैलन अपने दुल्हन के, बीएचयू का डॉक्टर एडमिट कैलन, आईसीयू में ओकर भर्ती भइल, आ जब एडमिट हो गइल, एक दिन दो दिन तीन दिन का दिन बीतल है इलाज के दौरान, तीसरे दिन का बात ही अपने पति के बोलौले, अब बोलाए के बेड पर बैठल हुन श्यामधर पाल, आ दुल्हन पकड़ के फफक के अपने सैया के रोवे लगल, रोवे लगल, श्यामधर पाल पकड़ लिया, कहा क्यों रो रही है रे पगली, क्यों रो रही है? मैं वहां से तुझे बनारस लेकर के आया, बनारस के डॉक्टर तुझे ठीक कर देंगे, घबरा मत, जब मैं वहां से यहां तक आ गया तो तुझे ठीक करके ही दूंगा, वाह, चाहे जो भी करना होगा मैं करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अपनी एक किडनी भी बेच दूंगा, लेकिन तुझे ठीक होने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। कहीं के रोवत और दोनों पुरानी गरे में घर डाल के रोवत हुवन, वही समय कलस की स्वामी 10 दिन वहां इलाज करूंगा, 3rd दिन आज यहाँ, लेकिन हमारे हालत में सुधार ना होते और हमारी तबीयत बिगड़ल चल जाते। अब एक शंका हमके है, कलन की कहा शंका है, कलश ये शंका है, अब हमार तुहार साथ लगत है की एजा तक रहा, अब हम कुछ पल का मेहमान गिला तुमके ये बिटिया के दुनिया के छोड़ के अब हम जाते, ये दौरान हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर हमसे आपकी जिंदगी में कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई स्वामी, तोके क्षमा कह दिया, अब हम तोके छोड़ के दुनिया से जाते हैं, एक काम कह दिया कलस की, एक काम कह दिया स्वामी, हमरे मर गेले के बाद ऐसन मत करिया कि बस हमरे याद में ही अपन जिंदगी बर्बाद कर दिया, ऐसन मत करिया, हमरे याद में अपन जिंदगी बर्बाद मत करिया स्वामी, बिटिया वही ना मर छोट बा,
अपन शादी करके अपन दुनिया बसा लिया, लेकिन हमारे बिटिया के कोनो तकलीफ कपो जिंदगी में दिया। रो करके वह दुल्हन अपने पति से जब इतनी बात हुई हॉस्पिटल में बीएचयू के, कहे लगल बाबू कलश की बस इतने करिया स्वामी के अपने जिंदगी का सब सुख लिया, लेकिन हमारी बेटी के कोनो तकलीफ भविष्य में मत दिया। इतने बतिया तो कहबे कैलस बाबू, तबले मालिक बजर न गिरा दलन। का भेल मास्टर? अरे इतना कहता तजी, अरे इतना कहता तजी दी हले पर नवा कहते कहते बाबूजी वह अभागन उसी अस्पताल में अपने दम को तोड़ देती है, दुनिया को छोड़ देती है। छोड़ दिलस दुनिया, छाती पीट पीट करके श्याम दरपाल वही अपने दुल्हन के लाश पर रोए लगलन। बीएचयू का डॉक्टर अइलन, मृत्यु प्रमाण पत्र ला करके उसी श्याम धरपाल के हाथ में रख देते है। लेकर के श्याम धर मृत्यु प्रमाण पत्र देखता का तब तक बीएचयू का डॉक्टर एक बात कहलन जौन करे करे जवाब में बाढ़ की तरह लग गई बाबू। जौनी समय बीएचयू का डॉक्टर ये बात के कलन की श्याम धर तू समय गवाह करके हमारे पास आया रे पगला, अगर तू समय रहते हुए हमारे पास आया होता तो शायद आज तेरी पत्नी इस हालात में नहीं होती, वो जिंदा होती। लेकिन जहां तू इलाज कराया, जो डॉक्टर तेरी पत्नी का 10 दिन से इलाज कर रहा था वह डॉक्टर तेरी पत्नी को ठीक नहीं और बीमार कर रहा था। तुझे पता है तेरी पत्नी सीरियस कैसे हुई? आय हाय बाबू, जब इतनी बतिया सुनलेस गरीब आदमी मालूम पड़ल कि ओकर करे जब निकर के भरे हो गए। रो करके वही डॉक्टर साहब का पैर वह पकड़ ले कलस की, डॉक्टर साहब कायब कौनो उपाय ना, कलन के कोई उपाय नहीं है, ले जा अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दे। आय हो बाबू, मृत्यु प्रमाण पत्र लिखलस ही जेबवा में रखलस, 300 किलोमीटर घर हमार सिंगरौली है, हम जाइब ए पत्नी के लाश के लेके तक काके नई लसिया लेके ही हरिश्चंद घाट पर यही बनारस काशी में अंतिम संस्कार कह दी। तनी सुना भी यही कहानी करवट लेवे जाती, लसिया लेके चलल कहाँ चलल मास्टर? लाश लेके हरिश्चंद्र घाट गईले आई, करवाई हो क्रम करवाई
को कहा बनारस के मरघट हरिश्चंद्र घाट पर, हरिश्चंद्र घाट पर अपने पत्नी के लाश के लेके चलल असोचत बा। कहा सोचत हम आश्चर्य तहपट से भाव नीला जैसा रो हरिश्चंद्र की और तारा काशी नगरी में, और वैसे झंझट गंगा तीर में चारा काशी नगरी में। श्याम धरी सोच रहा सब उच्चाई हो, तब तक वहां सैलानी का पजर गई आई हो, लगता जीवन से अरे हारा काशी नगरी में। अब भी पता सुन के काशी नगरी में संस्कार कह दे। आए हाय हाय बाबू, एक घंटा दो घंटा ना ही लसिया लेके वो मरघटवा पर बैठल छह घंटा का वक्त बीतल है। और जब छह घंटे का वक्त बीता है, एक नौजवान की नजर उस पे लगातार घड़ी है, गयल लगे कलश की बाबू कहाँ का हुआ, कहाँ घर है। एक घंटा दो घंटा ना तो के हम पांच छह घंटा का समय होकर लगातार देखती के मरल केकर लाश ले ले हुआ। और ये लाश कैसी है बाबूजी, उसकी पत्नी की लाश बगैर कफन की है। घट पर बैठा है अपनी पत्नी के लाश को लेकर के, और वह लाश बगैर कफन की है। कहा कि कैसी लाश है, ये कौन मरा है, कम से कम एक गज कफन तो उस पर डाल दे। अरे तुम मरघट पर बैठा है और क्यों लाश को लेकर के रो रहा है, दुनिया आई और चली गई, हम भी दुनिया से जाने वाले हैं, तुझे भी एक दिन जाना है, इसका अंतिम संस्कार कर दे, तेरे लेकर बैठने से जिंदा होने वाली नहीं है। कलश की बोल भैला साहब, अगर बोल भैला तो हर बात पूरी हो गई, तो दू बात हमहू कहल चाहती सुनबा। दू बात साहब हमरो सुनला तो बोल पड़ा वह जवान श्याम धरपाल। कहा कि है साहब, आपको तो मैं नहीं जानता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है आपका नाम है, क्या है आपका काम है, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ। क्या गरीब होना इतना पाप है? मैं गरीब हूँ ये मेरा दोष है। साहब जानना चाहते हैं कौन मरा है? ये मेरी पत्नी मरी है, ये मेरी पत्नी मरी है। मैं बनारस काशी यूपी का रहने वाला, बिहार का रहने वाला नहीं हूँ। कहाँ का रहने वाला है तू कलश की? मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम सातोपुरा। गरीब आदमी हिला जात का पाल हिला साहब, गड़ेरी जे के कहल जाला। कह के रोवे लगल बाबू कलश की कैसे मरी, ये तेरी पत्नी मरी है, आखिर कैसे मरी है, वहां से यहाँ तक तू कैसे आया, और आया तो लाश लेकर मरघट पर पहुंचा बगैर कफन की, आखिर बात क्या है? कुल बतिये बता दहलेस कि साहब 10 दिन अपने पत्नी के वहां भर्ती कैली, डॉक्टर 80,000 रुपए का बिल बताया, मैंने खेत अपना बेच करके उसे पैसा दिया, और उसी रात को वह मेरी पत्नी को अपने अस्पताल से निकाल दिया। कहा कि बनारस बीएचयू लेकर के जाओ। जब बनारस बीएचयू लेकर के आया, तीसरे दिन आज मेरी पत्नी बीएचयू में दम तोड़ दी। ये रहा मृत्यु प्रमाण पत्र बीएचयू के डॉक्टरों ने दिया है। ए साहब मरे के तो एक दिन सबके, हम हूँ मर जा तो हूँ मर जबा, दुनिया में जी आयल हूँ चल जाइए, एक दिन यह कड़वा सत्य है। लेकिन एक बात का दुख भयल साहब, पैसा तो जवन गयल तो गईबे कल, लेकिन जब बीएचयू का डॉक्टर ये बात के कहलन कि समय गवा के इला, समय रहते आल होता आज पत्नी तुहार जिंदा रहत, और जहाँ 10 दिन हम इलाज करोले वो डॉक्टर ठीक ना हमरे दुल्हन के पैसा लेवे के चक्कर में और बीमार करत रहल।
पैसा भी लिया और जान भी चली गई मेरी पत्नी की। इस बात पर मैं रो रहा हूँ। अंतिम संस्कार करने की बात है तो अंतिम संस्कार करना नहीं था तो मैं मरघट पर आता ही क्यों? लेकिन कैसे करूँ, मेरे पास मेरे जेब में एक रुपया नहीं है। अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ तो चाहिए। चंद रुपयों में बाबूजी आज भी हमारे बनारस में विद्युत द्वारा लाश जलाई जाती है। लेकिन उस जवान के पास वह भी नहीं है कि अपनी पत्नी के लाश का अंतिम संस्कार कर दे। कहा, मैं पैसा दे रहा हूँ, तू अपनी पत्नी के लाश का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इसके लाश का अंतिम संस्कार अब तू मत कर। कलश के रे साहब, अभी कहत हुआ कि अंतिम संस्कार कर दे, हम पैसा देती, अब कहत हुआ मत कर, हम समझत ना है। तब वह जवान, वह सैलानी कौन था मैं बताऊंगी, इसी बिरहे में आपको उसका नाम भी बताऊंगी। वह सैलानी कहा कि इसके लाश को लेकर के तुम उसी अस्पताल में चलो जो डॉक्टर 10 दिन तक इसका इलाज किया, तुझसे 80,000 रुपए की रकम लिया, उसी अस्पताल में चल के अपनी पत्नी के लाश को भर्ती कर दे। कल बाह साहब, निक बेवकूफ बनौला साहब। हे साहब, जौन देवल ले खो देदा माँ अपने दुल्हन का अंतिम संस्कार कर दी, काहे हमार गरीबी का मजाक उड़ावत हुआ। कलश की मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुझे न्याय देना चाहता हूँ, तेरी पत्नी को न्याय देना चाहता हूँ। आज जो तेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा। सोच गए कि बात तो सही है कि आज हमारे साथ भल कल कोई और के साथ हुई। कलश साहब जाप कैसे, कलश पूरी मदद तेरी मैं करूंगा, भरपूर तेरी सहयोग तेरा मदद मैं करूंगा, लेकिन तू मेरे कहे अनुसार चलेगा। तब उल्टी गंगा बह गई, बाबू तनी ध्यान दिया, आल्हा में भाव लगल। अरे धन्य भगवान, अरे धन्य भगवान, धन्य बाटे तू जरूपावा बाबू, तू जरूपावा बाबू, सब ही नचू सती बटे खुनम सारदा, जगह पे गए ही लोगन का देखा लापा, भागतन का अपने खूब पारे उपचारी, सक्स साथे लासा आल जी के संगमा पंचो, उतार ले लिया वो भी मरघट पर। गौर करेंगे बाबूजी, जब जब इस धरा धरती पर पाप बढ़ा है तो किसी ना किसी रूप में भगवान को आना पड़ा है। वह कौन था मैं बताऊंगी जो मदद करने के लिए आया। फोर व्हीलर गाड़ी कैलस, वही में ओकरे पत्नी का लाश लेकर के श्याम धरपाल के साथ मरघट से लाश उठी और चल देती है सिंगरौली के लिए। कलश किसी भी कीमत पर उसके अस्पताल में बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लाश को भर्ती कर देना, आगे का काम मैं कर लूंगा। हाय 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 बाबू, पहुंचल वही अस्पताल में, कैलस का ही गरीब श्यामधर सुना।
काईला तू भरती साहब, काईला तू भरती साहब, हमारी तू लहिनिया बाप। सैलानी 50,000 रुपए की रकम दिया, उसको कहा कि पैसे का लालच देकर भर्ती करना तो कर लेगा। अब है भयल जौना रोगिया भावे तो उन्हें वैद बतावे, पैसा का लालच दे के भर्ती कर दिए बस। और मैं नहीं जाऊंगा कलश साहब, आप कैसे कलब बगलिए में गेस्ट हाउस में कमरा लेके हम रुकब, मेन मौका पर हम आई, तू घबराना मत। पैसा लेकर के गया, अपनी पत्नी के लाश को लेकर के गया सी के अग्रवाल से, कहा कि साहब यहाँ से बीएचयू बनारस तक मैं आया गया, लेकिन मेरी पत्नी को कोई ठीक नहीं कर पाया। कहा अब क्या करने आयो कलश की, हमें विश्वास है साहब कि हमारी पत्नी की आप ठीक कर बया। तब नीच डॉक्टर कहा पैसा लाए हो, देखा एक आम आदमी देखी तो जान जाए कि जिंदा है कि मुर्दा है, और करे पत्नी के ये देख के जानना पुलिस को मर लिए कि जिए थी। कलश पैसा लाए हो तभी जवाब का दलस तनी सुना आवा। कई साले आईली साहब पाखिले तू ले ला पाप, पाखिले तू ले उधार ना करो, तो हरे सहारे बाते किसकी हो हवा, भर्ती कर लिया। कहा भर्ती कर लिया सला? तीन दिन आई सी में रखले सब लचिया बाप, रखले सब लचिया बाप, तो चौथे दिन क्या किया मास्टर? चौथे दिन सोचे दूर है कंधयाई चाहिए बाप, धीरे धीरे ठीक हो रही है। कलश की साहब एक मुलाकात अपनी पत्नी से करना चाहता हूँ आईसीयू में भर्ती के लिए ओकरे लाश के। बतौली के बिरहा का शीर्षकवे है लाश का इलाज। ऐसे ऐसे नीच लोग इस धरा धरती पर हैं बाबू। आज वह अपनी पत्नी को जब देखने के लिए बेचैन हुआ मिलने के लिए, तो ले गया वह नीच डॉक्टर, कहा चलो आईसीयू में भर्ती किया हूँ, चल दिखा देता हूँ। लेके जब गयल तो ओकरे कहे के बाबू हम आप विज्ञान हमन के इतना आगे है मास्टर साहब, इतना विज्ञान आगे है, हम चांद तक पहुंच गए, मंगलयान तक पहुंच गए, खुशी की बात है हमारा विज्ञान आगे है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख होला वो लसिया में ऐसा मशीन फिट कैले रहल डॉक्टरवा कि जब ही देखे बदे गयल तो जब देखने के लिए अपनी पत्नी को गया तो वह जब डॉक्टर पंप दबाता था तो वह लाश हरकत करती थी, लाश हरकत करती थी, कभी मुड़ी हिला देती थी, कभी पलके झुका देती थी, हाथ पैर ऐसे कर दे। तो सोच गया एक बार गरीब आदमी की लग रहा है वास्तव में मेरी पत्नी अब ठीक हो रही है, ठीक हो जाएगी,
बारे भगवान मने मने धन्यवाद देता कि बच्चू का डॉक्टर तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे दे हलन और डॉक्टर फिर हमारे पत्नी का दोबारा इलाज करा तो ठीक हो जाई। धन्यवाद देता हूँ सैलानी के जौन वहां तक ले गए। आये हाय हाय बाबू जी। डॉक्टर निकल करके बाहर आया और जब आईसीयू से बाहर निकल करके आया तो कलश की ज्यादा नहीं 50,000 रुपए की व्यवस्था करो। कलश की डॉक्टर साहब का करो, कलश एक छोटा सा ऑपरेशन है वही कर दूंगा, उसके बाद तेरी पत्नी एकदम ठीक हो जाएगी, 1 रुपया नहीं लगेगा, तू लेकर इसे घर चले जाना। आये हाय हाय फोन कैलस कलश की ये साहब 50,000 दे के भर्ती तक करवा देला, हमारे पास 1 रुपया ना और डॉक्टर साहब 50,000 मांगत हूँ एक ऑपरेशन करे बदे, अब हम का करें। कलश की घबराओ मत, तेरी पत्नी मर चुकी है यही कड़वा सत्य कहे कि साहब ठीक होते कलक कत्ते ही नहीं, वो तुझे झांसा दे रहा उसके झांसा में तू फंसता जा, बस उसी में बहादुरी है तेरी। आ मैं देता हूँ 50,000 रुपया के फिर दलस ले जाए के डॉक्टरवा के दलस। अब 3 दिन का दिन बीतल, चौथे दिन अब वो डॉक्टर सोचे लगल कि लाश यह सड़े लगी बदबू आ जाई तो हम पकड़ जा। चौथे दिन निकल करके आया, कहा कि आए श्यामधर बड़े दुख की बात है कि हम तेरी पत्नी को बचा नहीं पाए, ठीक करते करते ठीक होते होते आखिर तुझे हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उस मालिक के आगे किसकी चली है, ले जा उसके लाश का अंतिम संस्कार कर दे, हमें दुख है कि हम तेरी पत्नी को नहीं बचा पाए। अच्छा बाबू सोच गया कि मरी तो पहले से थी, आप कह रहे थे कि वो मरी थी, वो झांसा दे रहा है, बात सही है, लाश लेकर के अब तू यहाँ से जा सकता है। फोन कैलस की साहब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब क्या करूं, कैलस की लसिया लेके हुई अस्पताल में रहे, अस्पताल से बहरे लसिया लेके निकले मत, हम तोरे लगे 10-15 मिनट में आवत थी। 10-15 मिनट बीतते 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 बाबू वह सैलानी अस्पताल पर पुलिस प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था के साथ छापा मार देता है। दरोगा साहब गैलन, रीमा के रहने वाले दरोगा साहब मनोज यादव पोस्टिंग पर थे और उनकी ड्यूटी ऑन ड्यूटी, जब पहुंचे डॉक्टर के चैम्बर में गैलन तो डॉक्टर शिके अग्रवाल उठ करके खड़ा हो गया, अरे दरोगा साहब आप कैसे, क्या खिलाऊं, क्या सेवा करूं, कलक कुल सेवा है, इस आदमी को पहचानते हो, ये गरीब आदमी कौन है, कलश की श्यामधर पाल है, मैं इसके पत्नी का इलाज कर रहा था लेकिन आज बनारस बीएचयू तक गया लेकिन लाया मेरे पास, और आज कुछ समय पहले इसकी पत्नी मेरे अस्पताल में दम तोड़ चुकी। आए हाय बाबू, जब इतनी बात सी के अग्रवाल अपने जुबान से कहा तो मनोज यादव दरोगा साहब बस एक बात कहलन कि श्यामधर बीएचयू के डॉक्टरों ने कुछ दिया है, कहे हाँ साहब, कहाँ के कलश की जेब में है, तब फिर पूछा था एक बार मैं तुमसे और जानना चाहता हूँ यस या नो में इस मेरे सवाल का जवाब देना। कल पूछिए दरोगा साहब क्या जानना चाहते हैं, आप जानते नहीं मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, डॉक्टरवा कहा था कलन की बस इतना बता दो कि जब यह दोबारा अपनी पत्नी को तेरे अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया तो इसकी पत्नी जिंदा थी या मुर्दा थी। कल क्या मजाक कर रहे हैं आप, भला मुर्दे का भी कोई इलाज करता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा पैसा है लोगों को ठीक करना न कि मुर्दे को यहाँ ला करके जीवित करना। खींच करके थप्पड़ मनोज दरोगा जब वही डॉक्टर साहब किसी के अग्रवाल के गाल पर मरलन बाबू, तब चौना खा के नीचे गिरल और मृत्यु प्रमाण पत्र निकाल करके सी के अग्रवाल उसी टेबल पर, सी के अग्रवाल के सामने उसी टेबल पर श्यामधर पाल रख देता है खोल करके, और जब मृत्यु प्रमाण पत्र देखा वह नीच डॉक्टर तो अवाक रह गया। 31 जुलाई को ही उसकी पत्नी बीएचयू में दम तोड़ चुकी थी। ये रहा मृत्यु प्रमाण पत्र बीएचयू के डॉक्टरों का दिया हुआ, जो आज भी वह लेकर अपने जेब में घूम रहा है श्यामधर पाल। लातन जूतन जब 2-4, 6-10 थपरा पौलिस वो सी के अग्रवाल तो तुरंत 5 लाख रुपए की रकम मंगवाता है। 5 लाख रुपए की रकम मंगवा कर रख दिया टेबल पर और कहता है ले लीजिए और इस केस को यही दबा दीजिए और जरूरत पड़ेगी तो मंगा दूंगा, तब तक 2-4 जूता अवरी देहला, तब 5 लाख अवरी मंगौलस, आधा घंटा बीतत बीतत 10 लाख रुपए की रकम मंगवा करके टेबल पर रख दिया। आए हाय हाय बाबू, 10 लाख रुपए की रकम जब देखे मनोज यादव दरोगा तो उठा लिए उस पैसे को, हाथ करेजा पर चल जाये 10 लाख रुपया मनोज दरोगा कैलन का। बाबू तनी ध्यान दिए ना बा, चोरी हत्या पाप, अरे चोरी हत्या पाप, अरे ना छिपे
हो जेल जाला डॉक्टर आज बुरा भइले हाल हो मांग हो ले इनके सजा मिले अरे कड़ी से कड़ी कल जुग वाले भगवान के लागल बाहती कड़ी। दस लाख रुपए की रकम उठाए वह दरोगा साहब और उठा करके उस गरीब आदमी श्याम धर्मपाल के हथवा पे रख देलन। थर 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 कापत गरीब आदमी श्याम धर्मपाल कबो दस लाख इकट्ठा अपने जीवन में देखले तक ना हो। जब हाथ पे दस लाख रुपया रखा है तो थर 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 कापत गिर गया पैसा नीचे, गिर गया वो पैसा नीचे और जा करके उस सैलानी के पैरों पर गिर जाता है जो उसकी पत्नी के लाश को मरघट से उठा करके सिंगरौली तक लेकर के गया। पैर पर गिर गया उस सैलानी के कि साहब मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगा, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मैंने पैसे के लिए ये सब नहीं किया, आपने मुझे जो कहा जैसा करने के लिए कहा मैंने वो किया, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे न्याय चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, मुझे न्याय दिलवा दीजिए, जो मेरी परिवार के साथ हुआ वो दूसरे के परिवार के साथ ये नीच डॉक्टर ना करने पाए। समझा रहे हैं दरोगा साहब, तेरी एक बेटी है, तेरी पत्नी गुजर गई, दू बिस्सा खेत रल हो बेच देला, तेरे पास कोई अस्त्र ना हजिए लेकर, ये पैसवा के जमा कर दिया, लड़की के पढ़ाई में शादी में ब्याह में खर्च कर दिया, हम तेरी और मदद तो नहीं कर सकते लेकिन आर्थिक तौर पर जो मदद हो रहा है इसे तू रख ले, ये मदद तेरी सरकार नहीं करने आएगी। उस पैसे को लेकर के फफक के रो पड़ा बाबूजी सैलानी क्या दिया हुआ एक लाख रुपए का नगद मदद करके जो उन पचास लाख पचास हजार दे के भर्ती करूले रहल, पचास हजार बाद में दिलस, एक लाख नगद दे ले देवे लगल कलश की साहब लेला कलश की ना, मैंने पैसे के लिए सब नहीं किया है। अब जानना चाहते थे कि वह सैलानी मदद करने वाला था कौन? अरे सुना तनी रहला श्याम धारी के जो सपोर्टरी, अरे सावधान इंडिया कर रहला रिपोर्टरी, नाम सुशांत सिंह खोज कैलन बड़ी से बड़ी, नाम सुशांत सिंह खोज कैलन बड़ी से बड़ी, जुग वाले भगवान के लागल बा हथकड़ी। ना यूपी ना बिहार ना एमपी का हरियाणा का रखने वाला सुशांत सिंह राजपूत रिपोर्टर जो काशी बनारस के घाट पर काशी की खोज करने के लिए आया था और जब इस गरीब आदमी को रोते बिलखते देखा तो उसकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया और मदद भरपूर किया और उस नीच डॉक्टर को जेल की सलाखों के पीछे करवाया। आज भी सी के अग्रवाल डॉक्टर जेल में है, जमानत नहीं हुई है। ऐसे ऐसे लोग इस धरा धरती पर भगवान के रूप में आते हैं और मदद करते हैं चले जाते हैं बाबूजी। आज भी आप नेट पर जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को तो पाएंगे। ये कहानी प्रकाशित हुई और इस कहानी को देखने के बाद सुनने के बाद बिरहे का रूप देना पड़ा बाबूजी। आज भी हमारे आपके बीच में गरीब बेबस लाचार मजबूर गरीब आए दिन लुटे जाते हैं और लुटेरे कोई और नहीं हमारे आपके बीच से ही हमें आपको लूटते। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं अब कदे डॉक्टर साहब बुखार आवत बतनी दवाई रच का कोनो दे दे तो कहिए कि पहले खून जांच कराएला, पेट दर्द करता कहीं पहले अल्ट्रासाउंड कराला, कब यहाँ दर्द होत बात कहीं पहले एक्सरा कराएला, वो बिना इकुल पांच थे दस थे जांच करूले आपके दवाई देवे के तैयार ना हुआ, काहे उनकर कमीशन बनाला जहाँ भेजला, आपके कहिए कि राज पैथोलॉजी में चले जाना, आप त्रिमूर्ति वाले के लगे गईला ना कि काम खत्म, उनके रिपोर्ट समझे में ना आई, कहिए मैंने राज वाले के यहाँ भेजा, वो अच्छा रिपोर्ट बनाता है, तुम अपने मन का त्रिमूर्ति वाले के पास चले गए, तो मेरे समझ में नहीं, आप कबा कि 3600 लगा लगा 36000 लगा हमसे मतलब ना, हमने समझे में ना आवत है। तो तमाम लोग लुटेरों की तरह हमें आपको लूटने का काम करते हैं, मालिक ना करे कि किसी की तबीयत बिगड़े, लेकिन बिगड़े
तो अच्छे डॉक्टर के पास आप जाकर के इलाज कराए, भले दो पैसा बेसी लगे, जिंदगी का सवाल है, जिंदगी बड़ी कीमती है, पलट कर नहीं देखती है। वाह वाह वाह। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, हाल जो विधाता दूसरा नीतू सियार